हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल द आर्ट वर्ल्ड में। आज मैं बनाने जा रही हूँ तड़का दाल। उसके लिए मैंने लिया है आधा कप राजमा, आधा कप चने की दाल, आधा कप मसूर की दाल, आधा कप साबुत मूंग जो हरा होता है, और आधा कप लिया है काली उड़द की दाल। इन सभी को मैंने रात भर भिगो दिया है और अब मैं इसे प्रेशर कुकर में डाल के 25 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख दूंगी। तो चलिए हम इसकी तैयारी करते हैं। मैंने कुकर में डाला है 2 ग्लास, बड़े ग्लास से मैंने पानी डाला है। इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1 बड़ी इलायची काली वाली जिसका मैंने मुंह खोल दिया है, और कुछ दालचीनी के टुकड़े। और मुझे इसमें कुछ भी नहीं डालना है। अब इसे उबालने के लिए डाल देंगे कुकर में, रखेंगे ये गैस पे रखेंगे उबलने के लिए करीब 25 मिनट तक। देखिए दाल तैयार है, दाल पक गई है। तो हम इसमें तड़का लगाते हैं। पैन को गरम करेंगे, इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च तोड़ के डाल दिया, जीरा हमारा चटक गया है। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हींग, 1 बड़ा प्याज मैंने बारीक काट लिया है, लहसुन 4-5 कली लहसुन के इसे भी बारीक काटा है, से 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। प्याज हमारा भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया 1 टेबल स्पून, जीरा 1 छोटा चम्मच, और नमक तो मैंने पहले ही दाल में डाल रखा है। मैं घर में मसाले भून के तैयार रखी हूँ, इसलिए इसे ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं है। इस समय हम डालेंगे इसमें टमाटर, टमाटर हमारा गल चुका है, इसे गलने तक पकाएंगे। देखिए लगभग गल ही गया है, तो हम इसमें मसल के कसूरी मेथी डालेंगे। देखिए मैंने इसे गरम करके मसल लिया। बहुत लोग कसूरी मेथी ऊपर से डालते हैं, लेकिन इसे पकने में डालिए, इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और इसे अब भूनना नहीं है ज्यादा, इसमें हम पकी हुई दाल डाल देंगे। दाल को पानी के साथ ही डालेंगे। देखिए इसे 5 मिनट के लिए उबलने देंगे। तड़का दाल हमारा तैयार है, अब हम इसमें यहाँ पे डालेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरी मिर्च, और गरम मसाला
एक से डेढ़ चम्मच आप डालिए, डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। मैंने हरी मिर्च और अदरक ऊपर से इसलिए डाला क्योंकि जब हम दाल खाएंगे और ये सब ज़्यादा तीखा ना हो जाए, भुनने के बाद हरी मिर्च अदरक लाल मिर्च मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है और ऐसे ऊपर से डालने से इसका तीखापन कम रहेगा और जिनकी इच्छा होगी वो खाएंगे, जिनकी इच्छा ना होगी वो मिर्च निकाल के खाएंगे क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं। भाई हमारा तो फर्ज बनता है कि हम सभी को ध्यान में रख के खाना बनाए। देखिए ये तैयार है, अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। तड़का दाल तैयार है, इसे हम गार्निश करेंगे धनिया की पत्ती से। डाला और इसके ऊपर बटर, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।